सीएम शिवराज ने राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में मंचस्थ पर से ही जिला आपूर्ति अधिकारी सुरेश वर्मा और फूड इंस्पेक्टर सुरेश गुर्जर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। दरअसल ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का जायजा लेने राजगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज एक्शन मोड में दिखाई दिए। सीएम शिवराज भरी सभा में काली पीठ में राशन वितरण में गड़बड़ी के मामले में शिकायत मिलने पर लोगों के बीच ही दोनों अधिकारियों पर फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए सस्पेंड कर दिया। लोगों को संबोधित करते सीएम शिवराज ने कहा, एक शिकायत मुझे मिली है राशन की, मैं साफ कह रहा हूं गरीब का राशन जिसने भी खाया है किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा, यहां की दुकान भी चेक करें, कोई दुकान नहीं छोड़ेंगे, ये काली पीठ जगह थी, गिरफ्तारी हो जाए और वहां देखो ऐसे कौन कौन लोग है। सीएम ने कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सभी को जेल भिजवाऊंगा और कलेक्टर को परिवेशन ठीक से करना होगा। एक शिकायत मुझे मिली है भाई राशन की, मैं साफ कह रहा हूं गरीब का राशन जिसने खाया है किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यहां की दुकान भी चेक करो, कोई दुकान नहीं छोड़ेंगे। ये काला पीठ या कौन सी जगह थी, काली पीठ तो गिरफ्तारी हो जाए और देखो ऐसे लोग कौन कौन है। ये देखने की जवाबदारी किसकी थी कि राशन ठीक से बटे। तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। ये थोड़ी चलेगा क्या, कौन देखेगा। वहां फूड इंस्पेक्टर कौन है, जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। ये तमाशा थोड़ी चलेगा।